गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल कॉटिला कॉम्पिटिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो वोकैबुलरी सेशन मैंने स्टार्ट किया है उसी का अगला पार्ट ग्रुप प्रोनोटिंग वर्ड्स लेकर आई हूँ। और ये आप जानते हो कि पहले ही 16 to 17 वीडियोस मैंने आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ और उसी का कंटिन्यूटी आज है आपकी ग्रुप प्रोनोटिंग वर्ड्स। एक्चुअली स्टूडेंट्स, वोकैब सेक्शन में अक्सर वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं किसी पर्टिकुलर सेशन में, ये बेसिकली क्या है, कलेक्टिव नाउन्स भी है। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं इसकी डिटेल में चर्चा मैंने नाउन चैप्टर में आपके साथ की है, तो उसी को मैं आज कंटिन्यू करने जा रही हूँ। और लेकिन ये किसका सेक्शन है, कलेक्टिव नाउन्स का भी है एज वेल एज आपका किसका, वोकैब का भी है। तो ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से इन वर्ड्स को आप एक बार देख लें, उसके बाद नोट डाउन कर लें। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे जो भी नया वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ग्रुप डिनोटिंग वर्ड्स। तो नंबर वन है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स अर्थात सैनिकों के समूह को क्या कहा जाता है। तो आपका ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को हम बोलते हैं रेजिमेंट, आर्मी और यू कैन से कंपनी। तो आर्मी वर्ड तो आपने बहुत अच्छे से सुन रखा है और आप जानते हो कि सारे के सारे कलेक्टिव नाउन सिंगुलर की तरह यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आइदर यू कैन से रेजिमेंट, यू कैन से आर्मी और यू कैन से कंपनी। तो आई थिंक कीवर्ड आपके लिए क्लियर हो गया है। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों के समूह को हम क्या बोलते हैं, रेजिमेंट, आर्मी और यू कैन से कंपनी। नंबर टू पे देखिए, ग्रुप ऑफ गर्ल्स और वुमेन। अर्थात कहीं पर भी अगर आपको बहुत सारी महिलाएं एक साथ दिख जाए और तो आप उनके लिए क्या संबोधित करोगे, ग्रुप ऑफ गर्ल्स और वुमेन, दिस इज कॉल्ड बेबे। क्या बोलोगे आप इसके लिए, वेवे। तो स्पेलिंग पे ध्यान रखिए, बी ई वी ई वाई। क्या है स्पेलिंग, बी ई वी वाई। क्या प्रोनाउंस करोगे, बेबे। क्लियर है। अगला है आपका नंबर थ्री, ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स मतलब तारों के समूह को आप क्या कहोगे, तो दिस इज कॉल्ड क्लस्टर। क्या वर्ड यूज किया मैंने, क्लस्टर। स्पेलिंग देख लीजिए, सी एल यू एस टी ई आर, क्लस्टर। अर्थात तारों के समूह को कहा जाता है क्लस्टर। नेक्स्ट देखिए आप नंबर फोर्थ पे, ग्रुप ऑफ स्टिक्स और हे। ग्रुप ऑफ स्टिक्स और हे अर्थात आप जानते हो किसका समूह, लकड़ियों का समूह और हे का समूह, दिस इज कॉल्ड बंडल। क्या वर्ड यूज करोगे, बंडल, बी यू एन डी एल ई। दिख रहा है आपको क्लियरली, सो बंडल इट मीन्स, बंडल क्या है, ग्रुप ऑफ हेस एंड स्टिक्स। अगला है आपका नंबर फिफ्थ, ग्रुप ऑफ लॉज। लॉज का मतलब तो आप जानते हैं कानून। कानून को अगर कंबाइंड रूप में कई सारे कानून का अगर समूह है तो आप कुछ क्या बोलोगे इसके, कोड। कोड ऑफ कंडक्ट तो आपने सुना ही होगा, कोड। और यू कैन से, आपने सुना है आरपीसी, इंडियन पैनल कोड। तो कोड का मतलब है यहाँ पर बहुत सारे कानून का एक समूह। चलिए नेक्स्ट वर्ड है नंबर सिक्स, ग्रुप ऑफ रूम्स। ग्रुप ऑफ रूम्स जैसे कि आप किसी होटल में जाते हो तो वहां बहुत सारे रूम्स होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, स्वीट, एस यू आई टी ई। कमरों के समूह को कहा जाता है स्वीट, एस यू आई टी ई। नेक्स्ट देखिए नंबर सेवेंथ है, ग्रुप ऑफ ट्रीज। पेड़ों के समूह को क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ ट्रीज, दिस इज कॉल्ड ग्रोव, जी आर ओ वी ई, ग्रोव। और यू कैन से क्लम्स। क्लियर है। तो इसके बाद देखिए नंबर एट पे, ग्रुप ऑफ कैटल और डियर। ग्रुप ऑफ कैटल एंड डियर मतलब जो कैटल है पशु और डियर का मतलब होता है हिरन, इनके समूह को जब ये झुंड में हो तो आप इनको क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड हर्ड, एच
एच ई आर डी, दिख रहा है आपको क्लियरली? ओके, सो अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो पॉज करके इन वर्ड्स को आप नोट डाउन कर ले। तो क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ कैटल एंड डियर, अर्थात पशु और जो हिरन है उनके झुंड को कहा जाता है आपका एच ई आर डी, हर्ड। नेक्स्ट नंबर 9 पे देखिए, ग्रुप ऑफ शूट्स एंड बुलेट्स। शूट्स का मतलब है, बुलेट्स का मतलब तो आप जानते हो, है ना? तो जो बुलेट्स है और शूट के समूह को क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड वोली। क्या स्पेल करोगे? वोली, वी ओ डबल एल वाई। देखिए आप क्लियर? सो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, वी ओ एल एल वाई, वोली। नेक्स्ट देखिए नंबर 10 पे, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, मर्चेंट्स मतलब व्यापारियों के समूह। व्यापारियों के समूह को बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या? कारवां। कारवां वर्ड तो आपने अच्छे से सुना होगा। व्यापारी जब कहीं दूर देश विदेश में किसके लिए जाते थे? व्यापार के लिए जाते थे, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? कारवां। ठीक है, तो आज मैंने आपके आपके साथ 1 से लेकर 10 तक ग्रुप डिनोटिंग वर्ड्स डिस्कस किए हैं। तो इसके आगे के ग्रुप डिनोटिंग वर्ड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, और तब तक के लिए आप इन वर्ड्स को अच्छे से तैयार कर लीजिए और मैं जल्दी ही मिलूंगी इसका नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।